एवरीवन, मैं गुंजन की तरफ से, कैसे आप सभी? आज हम देखते हैं क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो आपके नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, साथ में जो आपके सीबीएसई के अंदर जो 20 MCQ के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर. आपको पता है इस चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर वी नीड टू कवर द थ्री किंगडम्स, तीन किंगडम्स को हमें कवर करना होता है, दैट इज द मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन उसमें मिलने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू व्हाट किंगडम. तो हमें पता है सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो यू नो दैट इज द प्रोटिस्टा किंगडम. ठीक है, क्योंकि उसने हमसे क्या बोल दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. ठीक है, तो हमें पता है क्या बोला गया, दैट इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक तो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, दैट इज द प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं. बट अगर यहीं पर अगर क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, तो हम टिक लगाते हैं मोनेरा पर, और हमें पता है मोनेरा के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया. ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा किंगडम. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन बी. ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या आ गया, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय, दैट वॉज सो इजी क्वेश्चन जो क्लास 9th में भी आता है, बट 9th आपको पता है चैप्टर डिडक्ट हो गया, डायवर्सिटी चैप्टर अब नहीं आता है. ठीक है, तो द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, दैट इज द रॉबर्ट विटेकर ने, है ना. तो किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने. इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉल्टी एरियाज, जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, दैट आर कॉल्ड एज अ हेलोफाइल्स. क्या बोला जाता है, हेलोफाइल्स. तो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सॉल्टी एरिया कॉल्ड एज अ हेलोफाइल्स. ठीक है, और हमें पता है, ठीक है, तो दैट इज द हेलोफाइल्स. ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आ गया, नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफिटिक आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ वॉट, नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफिटिक आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ वॉट. किसका करेक्टरिस्टिक है ये, दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लाइम मोल्ड्स, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या दे दिया, सैप्रोफिटिक दे दिया. और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है, स्लाइम मोल्ड्स का होता है. और हमें पता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ईट द डेड एंड डिकिंग मैटर, इजन इट. ठीक है, अब देखो उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका कौन आ गया, दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर वैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही है, कि व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट एंड फंजाई. तो रूट्स ऑफ द हायर प्लांट और फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, दैट यू नो विच इज अ माइकोर हाइजर. क्या बोला जाता है, माइकोर हाइजर. ठीक है, और यहीं पर अगर लाइकिन जो है, तो लाइकिन भी क्या है, एक एसोसिएशन है. लाइकिन किसका एसोसिएशन है, दैट यू नो दैट इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी, एल्गी एंड फंजाई. एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को तो लाइकेन बोलते हैं, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई के एसोसिएशन को माइकोर हाइजा बोला जाता है. देन यहाँ तक कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है काफी, अ डायकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, अ डायकैरियन कब बनता है. डायकैरियन मतलब क्या होता है, डाय मतलब होता है टू, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस. जिस सेल के अंदर टू न्यूक्लिया है उसको हम क्या बोलेंगे, डायकैरियन, इजन इट. एक सेल के अंदर अगर दो न्यूक्लियस है तो उसको हम डायकैरियन बोलते हैं, जो हमें फंजाई के अंदर, फंजाई के सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है. तो डायकैरियन कब बनता है, मियोसिस इज अरेस्टेड, या फिर टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीजिएटली. ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है, जब दो हैप्लॉइड सेल्स इमीजिएटली फ्यूज नहीं करेगा, पूरा अच्छे से फ्यूज नहीं करेगा, तो दो न्यूक्लियस अलग रह जाएंगे. ठीक है, तो जब दो हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीजिएटली, तो देन वी विल गेट द डायकैरियन सेल. ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, डायकैरियन सेल मिलती है. देन यहाँ तक ये, ठीक है, वो आगे क्वेश्चन क्या है आपका, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम इज प्रपोज बाय वॉट. ठीक है, ये जो था कि हमें पता है जो वायरस है वो एक पॉइजनस फ्लूइड है, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइड, ये वर्ड किसने दिया था, ये आपको याद रखना है, दैट इज एम बिजरिंग ने. ठीक है, दैट इज बिजरिंग. ठीक है, आगे क्वेश्चन आ गया, एसोसिएशन ऑफ अ माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन द, तो आपको पता है माइकोबायोंट ये किसके लिए यूज किया गया है, फंजाई के लिए. फंगल कॉम्पोजिशन को क्या बोला जाता है, माइकोबायोंट. ठीक है, और एल्गल कॉम्पोजिशन के लिए, एल्गी के लिए क्या यूज किया गया है, फाइकोबायोंट. और अभी हमने पीछे भी देखा था कि एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन. ऐसे फिर यहाँ पर माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट के एसोसिएशन को क्या बोला जाएगा, लाइकेन. ठीक है, तो ऑप्शन क्या जा रहा है आपका, लाइकेन्स. डन ही आता कि, ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड वायरॉइड्स, वायरस और वायरॉइड्स में क्या फर्क होता है. तो हम पता है वायरस एंड वायरॉइड्स बोथ आर नॉट बिलोंग्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये एग्जैक्टली लिविंग नहीं होते. अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, वायरस और वायरॉइड्स के अंदर, वो वायरस के अंदर तो क्या होता है, वायरस के अंदर प्रोटीन की कोट होती है, वायरस के अंदर प्रोटीन की कोट होती है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है ना. तो हमें पता है जो वायरस उसके अंदर कौन होगा, ये
जेनेटिक मटेरियल होगा और उसके ऊपर कौन होगा, प्रोटीन की लेयर होगी, ठीक है। तो वायरस जो होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, जबकि जो वायरॉइड्स होते हैं, जो वायरॉइड्स होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होती है, दे डू नॉट पोजेस प्रोटीन, दे डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, उनमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही प्रेजेंट होता है। तो क्या डिफरेंस हो गया इनके अंदर, डिफरेंस क्या हो गया कि एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन द वायरॉइड, वायरॉइड के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होती है बट प्रेजेंट इन द वायरस, तो यही डिफरेंस है, यानी आता कि ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। फंगल सेक्सुअल साइकिल जो होती है तो उसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस क्या जाता है, तो हमें पता है जब फंगल सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है तो सबसे पहले फ्यूजन होता है हैप्लॉइड सेल्स का, साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं और साइटोप्लाज्म के फ्यूज को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी, जिसके वजह से फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फ्यूज होता है और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, और प्लाज्मोगैमी के बाद ही क्या बनता है, डायकैरियन सेल बनती है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी, जिसके वजह से एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है, एंड देन उसके बाद होता है क्या, मियोसिस। तो एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या रहती है फंगल सेक्सुअल साइकिल की, प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी और मियोसिस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गए, यानी यहां तक कि वो आगे क्वेश्चन क्या है, वायरसेस आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू द वायरसेस बिलोंग टू, है ना। तुम्हें पता है वायरसेस जो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, दे आर ओनली द प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, और दे बिकम अ लिविंग, बट ए लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं एज इट कम इन कॉन्टेक्ट विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वायरसेस किससे बिलोंग करते हैं, मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से, नन ऑफ दीस से, तो आंसर क्या है, नन ऑफ दीस से, कि वायरस वायरॉइड्स ये किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करते बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर, यानी यहाँ तक है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपका आता है द मेंबर्स ऑफ अ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, तो फाइकोमाइसिटीज के ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर, ऑन डिकेइंग वुड पर, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पर, या फिर एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट, ठीक है। तो जो फाइकोमाइसिटीज है, फंगस है ना, तो ये जो फंगस होती है वो एक्वाटिक हैबिटेट में मिलती है, डिकेइंग वुड पर भी मिलती है, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस से मिलती है, और साथ में क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये, और ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं, दैट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इसके बिना, विदाउट होस्ट, होस्ट के बिना ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, है ना ये, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल द अबव, all of these, then yahan tak hai, to yahan tak humne kuch important questions dekh liye of your chapter, that is a biological classification, theek hai। to acche se chapter ko padh ke mcu karna bahut aasan ho jata hai, to aise aap bhi karte rahiye, theek hai, so that hamari neet ki taiyari acche se hote rahe। so hope so you all find this lecture useful to you, thank you।